निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ निरीक्षण किया गया? ये जौनपुर मंडल का वार्षिक निरीक्षण था और इसमें मैंने सभी ब्रांचेज का स्टडी किया, उनको रिव्यू किया और कमोवेश सब चीज़ ठीक पाई गई है। और मैंने हेड पोस्ट ऑफिस जौनपुर का भी विजिट किया, वहाँ भी जो छोटी मोटी कमियाँ पाई गई उनके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही मैंने देखा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए, लिंकेज कराने के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो हमने उनके लिए एक नई व्यवस्था करने की बात कही है। निर्देश दिए गए हैं कि और काउंटर खोले जाएँ और डिजिटल लाइन क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे सकें और बिना किसी भीड़ भाड़ के जनता को आधार कार्ड में अपने कामों को सुचारू रूप से करने का मौका मिल सके। सरकार की योजनाएं क्या क्या डाकघर में चल रही है, लोगों को जो लाभ मिल रहा है? सरकार की बहुत सारी योजनाएं, फ्लैगशिप प्रोग्राम सब चल रहे हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है, वित्तीय सेवाएं हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, ये सभी उपलब्ध हैं सभी डाकखानों में। आगामी दिनों में क्या आपकी योजनाएं हैं, आगामी दिनों में क्या योजना कर रहे हैं आप, क्या कुछ करने वाले हैं डाक सेवा को लेकर? अच्छा, हम 7 तारीख से 11 तारीख तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें 7th को मेल डे और पार्सल डे का नाम रखा गया है, जिसमें हम अपने एक्सपोर्टर भाइयों को बुलाएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे कि डाक निर्यात केंद्र के द्वारा आप अपनी सेवाओं को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को, अपने उत्पादन को दूसरे देशों में कैसे भेज सकते हैं। 8 तारीख रहेगा फ्लैटली डे, जिसमें बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको सिखाया जाएगा कि किस तरह से चिट्ठी लिखी जाती है, उनको चिट्ठी लिखने के लिए उत्साहित किया जाएगा, साथ ही कुछ फ्लैटली वर्कशॉप भी की जाएंगी। बच्चों को पोस्ट ऑफिस में घुमाने का भी कोशिश की जा रही है ताकि वो आएँ और अंदर देखें कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है जब कोई डाक या कोई चिट्ठी या पार्सल हमारे पास पहुंचता है। उसके बाद वर्ल्ड पोस्ट डे 9 तारीख को मनाया जाएगा, जिसकी थीम है 150 ईयर्स ऑफ एनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। तो उस दिन हम फिट इंडिया फिट रन का आयोजन करेंगे, जो जौनपुर में भी किया जाएगा। उसके बाद अंत्योदय दिवस का आयोजन किया जाएगा 10 तारीख को, जिसमें विभिन्न तरीके के प्रयत्न किए जाएंगे ताकि आम जनता को हमारी वित्तीय सेवाओं के बारे में पता चले और आधार से रिलेटेड जो सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ ही IPPB के काफ़ी सारे कैंप लगाए जाएंगे ताकि जो लोग अभी भी अनटच रह गए हैं बैंकिंग सर्विसेज से, जो अभी तक भी बैंकिंग सर्विसेज के इंक्लूजन नहीं हुआ है, उनको हम इस नेट में इंक्लूड कर सकें और उन्हें सारी वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल सके। 11 तारीख रहेगा वित्तीय सशक्तिकरण दिवस, उस दिन हम स्पेशल तौर पर 10 साल से कम उम्र की सभी बच्चियों को सुकन्या समृद्धि योजना में कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगाएंगे और हम इस बात के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी 10 साल से कम उम्र की बच्चियों का खाता खुलवाएँ और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाएँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।